और एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल भी मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कल वाला रिवाइज कर दूं कि हमने कल क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने टॉपिक शुरू किया था बेसिक ग्राफ्स इन आर, तो उसमें हम कुछ सारे ग्राफ पे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ग्राफ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आपको खुद बहुत बनाना आ जाएंगे। जिस तरह हमने जो है वो एक प्लाट पे प्रैक्टिस की, स्क्रिप्ट लिखा, बाकी जस्ट हमने वहाँ पे प्लाट का नाम चेंज किया तो हमारा प्लाट बन गया। हम एक पैकेज यूज़ कर रहे हैं, ggplot2। इस पैकेज के अंदर दो फंक्शन हमने अभी तक यूज़ किए हैं, एक का नाम है qplot, सॉरी एक ही यूज़ किया अभी, qplot, और दूसरा है ggplot। qplot को हमने यूज़ कर लिया था, ggplot आज हम यूज़ करेंगे। मैं इसको हेडिंग्स बना लेता हूँ। ये वाला साइन मैंने आपको बताया था कि इसको रट लें। हैश टैग के बाद जब भी हमने कोई वर्ड लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है, उसका मतलब है हेडिंग, वो हमारा कोड कंसिडर ना हो। ठीक है, तो हम इसको हेडिंग कंसिडर कर लेंगे तो हमारे जो स्क्रिप्ट में एरर के चांस है ना, वो कम होंगे। मे बी हमने इसको जो है वो हैश टैग ना किया हो और आर इसको जब हम इसको रन करें तो ये भी सिलेक्ट हो जाए और आर इनको एज अ कोड कंसिडर करेगा। अगर हमने कोड लिखा हुआ है और उसको हैश टैग दिया हुआ है, तो फिर आप इसको बेशक सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट करके रन करें, आर इसको कोड कंसिडर नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये हेडिंग है, ये कोड नहीं है। लेकिन जब हम इसके बगैर रन करेंगे तो आर समझेगा कि ये क्या है। देखिए मैं अभी इसको रन करता हूँ, आर ने मुझे कोई एरर नहीं दिया, अभी भी रन किया कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ क्यू प्लाट और इसको रन करता हूँ, इसने देखे मुझे एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी के साथ अगर हैश टैग लगा लेता हूँ तो ये हेडिंग बन जाएगी। अब आर इसको नहीं छेड़ेगा, आर को ये पता है कि ये हेडिंग है। ठीक है, सॉरी, आर को पता है कि ये हेडिंग है। ठीक है, ये देखें, आप जितनी मर्जी उसको जो है वो रन करें, आर उसको हेडिंग ही कंसिडर करेगा, वो आपको एरर नहीं देगा। तो मैं इसको हेडिंग में कंसिडर कर लेता हूँ। आज हम करने वाले हैं काम जीजी प्लाट पे, तो जिस इंस्ट्रूमेंट पे हमने काम करना है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट पे हमने काम करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। कल भी हमारी बात हुई थी कि अगर हमने गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी को चलाने से पहले हमने गाड़ी को स्टार्ट करना है, हमने पीसीआर पे काम करना है, तो पीसीआर पे काम करने के लिए हमने पीसीआर को ऑन करना है। हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम करना है तो पहले हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन करना है। हमने पीएच मीटर पे काम करना है तो पहले उसको ऑन करना है। सेम इसी तरह हमने जब भी आर के ऊपर किसी भी पैकेज पे काम करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमने पैकेज को ऑन करना है। पैकेज को ऑन किए बगैर आप जो हैं कोई भी काम जो है, कोई भी वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या करते हैं, अपने पैकेज को ऑन कर लेते हैं। लाइब्रेरी, पैकेज को ऑन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है लाइब्रेरी, जीजी प्लाट, ठीक है, जीजी प्लाट टू। इस पैकेज को ऑन किया, इसको रन करते हैं। जैसे इसको हम रन करेंगे तो ये देखें पैकेज हमारा जो है ये टर्न ऑन हो चुका है। उसी तरह सेम कोड हमारा रन हो गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारा पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो गया। ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली पैकेज को एक्टिवेट करें और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, पैकेज को एक्टिवेट करने के बाद कल हमने जो प्रैक्टिस की थी वो हमने की थी क्यू प्लाट पे, आज हम करेंगे जीजी प्लाट पे। आज हम जो पैकेज यूज़ करेंगे उसका नाम है जीजी प्लाट। जीजी प्लाट में सबसे पहले देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था, बल्कि हमारी क्लास में
15 से 20 मिनट का एक टॉपिक रहा है कि ग्राफ के कंपोनेंट्स, प्लॉट के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं, प्लॉट ड्रा करते हैं, तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले डाटा, फिर मैपिंग, और लास्ट में जियोमेट्री। डाटा भी हमें पता क्या है, मैपिंग भी हमें पता क्या है। मैपिंग मीन कि हमने एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट रखना है और वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट रखना है। एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट हम रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम कौन सा कंपोनेंट रखेंगे, इसको हम कहते हैं मैपिंग। अब फर्स्ट हम देते हैं यहाँ पे इसको डाटा। डाटा इक्वल, डाटा का नाम क्या है हमारे का, फाइकस। आपके पास जब आप किसी अपने थीसिस की या आर्टिकल की फाइल रन कर रहे होंगे, तो आपने उस फाइल का कोई नाम रखा हुआ होगा, आपने वो फाइल का नाम रन करना है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा। अब ये जो अभी फहीम साहब पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर ये कॉमा क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे हमारी एक बात ख़त्म हो गई है कि डाटा हमारा क्या है, इक्वल फाइकस। अब नई बात हम शुरू करने लगे हैं, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यानी इसमें मैपिंग और एस्थेटिक हमें दोनों इकट्ठी करनी है। मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, जैसे ये मैपिंग इक्वल एस्थेटिक सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी इस तरह की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करना है एक्स एक्सिस इक्वल, और यहाँ पे फिर कॉमा, फिर वाई एक्सिस इक्वल, यानी एक्स एक्सिस भी डिफाइन करना है और वाई एक्सिस भी डिफाइन करना है। सेम उसी तरह स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो क्यू क्यू प्लॉट से, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्यू प्लॉट में बहुत कम काम करेंगे, हमने ज़्यादा काम जी जी प्लॉट टू पे करना है, वो एक्चुअली हमारा एक बेसिक पार्ट है, हिस्सा है समझने के लिए, तो इसलिए वो मैंने आपको करवाया है। तो जब भी हम प्लाट वगैरह ड्रा करेंगे, हम जी जी प्लाट को यूज़ करके प्लाट ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं अब टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे अब टाइप करने के लिए हमें पता है कि हमने टाइप करना है फाइकस डॉलर साइन, हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी वेरिएबल्स की, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेना है पैटर्न लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगेन यहाँ पे फाइकस टाइप करें, फाइकस लिखने के बाद डॉलर साइन, और यहाँ से आप कोई सैंपल लेंथ सेलेक्ट कर लें। यहाँ तक स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लें, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है क्या आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू प्लॉट एंड जी जी प्लॉट। अच्छा, ये मैंने डिफरेंस आई थिंक, अगर आपने जो है ना सेकंड या थर्ड वीडियो आई थिंक नहीं देखी होगी या आपकी क्लास मिस होगी, मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से बताया था कि क्यू प्लॉट और जी जी प्लॉट टू। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक ये स्क्रिप्ट मुकम्मल करें और डन लिखें, फिर मैं आगे स्क्रिप्ट आपको बताता हूँ कि इस पर क्या करना है। अब इसको रन नहीं करना आप लोगों ने, मैं तब तक आपको आंसर भी दे देता हूँ उनका। अच्छा, नदीम शाह साहब का आंसर है कि सॉरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू प्लॉट एंड जी जी प्लॉट। क्यू प्लॉट का मतलब होता है क्विक प्लॉट, क्विक फ़ौरन प्लॉट हमें चाहिए, यानी हमें उसके ऊपर कोडिंग कम करनी पड़े, थोड़ी सी बातें हम लिखें तो वो हमें कोड बना के दे दें। क्यू प्लॉट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे सुपरवाइज़र कहते हैं यार इसमें जल्दी से देख के लाएं, इसमें कोई वेरिएशन या कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू ऐसी है जो बहुत हाई है या बहुत लो है। अगर आपके पास एक ऐसा डाटा सेट है जिसमें 1000 वेरिएबल्स हैं या 1000 रोज़ हैं, तो अगर आप वो टेबल पढ़ने बैठ जाएं या एक्सेल की फ़ाइल में ढूंढने बैठ जाएं, तो मे बी आपको टाइम लगे या मुश्किल हो आपके लिए ना, तो आप जस्ट इसका ग्राफ बना लें और अपने सुपरवाइज़र को दिखा दें कि सर ये वैल्यूज़ देखें, ये वैल्यूज़ जो है वो टॉप पे आ रही हैं, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं मज़ीद ना, तो आपके सुपरवाइज़र फ़ौरन जो है वो ग्राफ देख लेंगे। टाइम आपका कम लगेगा ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। जो हमने अभी तक ग्राफ देखे हैं ना आपने,
उनकी पिक्सल क्वालिटी, ग्राफ की क्वालिटी या उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन कम होंगे। हम उसको जो है वो ज़्यादा फॉर्मेट नहीं कर सकते, ज़्यादा उसको पॉलिश नहीं कर सकते। जबकि जी जी प्लॉट है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। जी जी का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स यानी यहाँ पे हम ग्राफिक्स की ग्रामर को भी यूज़ करेंगे और जो हमारा प्लॉट बनेगा वो हाई क्वालिटी होगा, उसकी जो रेजोल्यूशन है बहुत अच्छी होगी, आप उसको जितना मर्जी जूम कर लें उसके पिक्सल जो हैं वो नहीं फटेंगे, वर्ड जो है उसके वो टेढ़े नहीं होंगे। तो हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट करने के लिए हम जी जी प्लॉट को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ तक स्क्रिप्ट लिख लें। अभी एक क्वेश्चन आ गया जी करामत खान साहब का कि डबल ब्रैकेट शो नहीं हो रही मेरे केस में। सर फर्स्ट स्टेप आप देखें, आपने इसको लाइब्रेरी की है, अगर तो आपने इसको लाइब्रेरी कर ली है तो फिर आपके पास डबल ब्रैकेट शो होनी चाहिए। अगर नहीं शो हो रही तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी टाइप करके वहाँ पर डबल ब्रैकेट लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने दो बातें इसको बताई हैं। ये देखिए, एक हमने इसको डाटा दिया है, ये डाटा दे दिया, डाटा इक्वल फाइकस। सर एक मिनट, मुझे एक कोड कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप भी कोड कंप्लीट कर लें, ब्रैकेट मैनुअली लिख लें, अगर कोई एरर आता है तो फिर मैं आपको जो है वो रिजॉल्व करता हूँ आपकी स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, मैंने दो चीज़ें इसको प्रोवाइड कर दी हैं। एक तो मैंने डाटा प्रोवाइड कर दिया है, दूसरा है मैपिंग, और तीसरा है ज्योमेट्री। दो बातें हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, यानी मैंने यहाँ पे फाइकस का डाटा भी बता दिया, फिर मैंने इसको मैपिंग भी बता दी। अब लास्ट चीज़ है ज्योमेट्री। प्रीवियस केस जहाँ पे हमने क्यू प्लॉट लिखा था, आपको याद होगा कि हमने इस ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पे जियोम लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग है। थोड़ी सी चेंज क्या है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है, प्लस के साइन लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी ओम। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को आगे कर लेता हूँ ताकि आप कंप्लीट शो हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जी ओम। मैं इसको थोड़ा सा ना वापस ले जाता हूँ, स्किप करता हूँ, एम को डिलीट कर देता हूँ, जी ओम लिखा तो उसने मुझे एक लिस्ट ओपन करके दे दी। ये देखिए, एक लिस्ट बन गई, यानी सारी लिस्ट प्लॉट की है। ये सारे प्लॉट हम जो है वो जी जी प्लॉट टू में ड्रा कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा लिस्ट है, आई थिंक ये 70-80+ या मे बी इससे कम हो, बहरहाल बहुत ज़्यादा लिस्ट है ना। तो हम क्यू प्लॉट में क्या करते थे, इसके बाद इक्वल का साइन यूज़ करते थे। यहाँ पे आपने इक्वल का साइन यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आपने अंडरस्कोर यूज़ करनी है, तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम ढूंढते हैं पॉइंट, पहले पॉइंट ड्रा करते हैं, पॉइंट प्लॉट सेम उसी सीक्वेंस में। अब पॉइंट प्लॉट, जैसे मैंने पॉइंट प्लॉट सेलेक्ट किया ना, तो इसने मुझे एक अगेन छोटी सी ब्रैकेट दे दी है। इस ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, अभी कुछ भी नहीं हम लिखेंगे, अभी जस्ट हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रिप्ट को रन करें। देखें जैसे ही मैंने इसको रन किया ना, सेम उसी तरह का हमारे पास प्लॉट बन गया जिस तरह हमारा हमने पहले बनाया था क्यू प्लॉट में। और अगेन वही वार्निंग्स हमें आ रही हैं, वो कह रहा है जी अगर आप वार्निंग्स पढ़ें ना, आपके पास भी सेम वार्निंग्स आई होंगी। तो वार्निंग्स में वो कह रहा है कि आपके पास जो डॉलर साइन है और फाइकस है, इसको मैं डिस्कर्स करता हूँ, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट कर दें। हम यहाँ से डॉलर साइन और फाइकस को डिलीट कर देते हैं, डॉलर साइन को भी डिलीट कर दिया और फाइकस को भी डिलीट कर दिया। अब इसको रन करते हैं, अब देखें इसको जब हमने रन किया तो बिल्कुल क्लियर हो गया, हमारे पास फाइकस भी उड़ गया है और डॉलर साइन भी ख़त्म हो गया। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करें कि यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट के पास स्क्रिप्ट रन हो चुके हैं। अगर किसी के पास कोई एरर आया है तो वो शेयर कर सकते हैं।
मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास जो है ये डन हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा ये कोड, अच्छा आपने डॉलर साइन रिमूव किया है तो ग्राफ भी नहीं बना। डॉलर साइन के साथ ग्राफ बन गया था आपके पास? मैडम मारिया अली आपके पास? हाँ बन गया था। तो आपने डॉलर साइन के साथ देखें कोई और चीज़ तो नहीं डिलीट की वहाँ पे, कॉमा या फुल स्टॉप या इक्वल का साइन, कोई और चीज़ तो नहीं डिलीट हुई? ये स्क्रिप्ट आपके सामने है स्क्रीन पे, इससे कंपेयर करके देख लें आपने वहाँ पे कोई चीज़ और एक्स्ट्रा तो नहीं डिलीट कर दी साथ। वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस भी डिलीट कर दिया साथ? वो चेक कर लें आप, नहीं किया ठीक है, फिर आप पहले स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अगर किसी के पास कोई इशू है तो मुझे बताएं। ये कोड रन होने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ये कोड आपसे रन हो गया तो समझे कि सारे जो आपके स्टेप जो हैं वो इजी हो जाएंगे नेक्स्ट। मैंने स्क्रीन क्लोज़ की है, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा जी कह रहे जी पेटल लेंथ नॉट फाउंड। ये स्क्रीन को थोड़ा सा इधर करें, ये अपनी स्क्रीन फुल जो है ना वो कॉर्नर पे ले गए हैं, चारों स्क्रीन मुझे शो करवाएं। इस स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ना इधर से लेके आए, इस तरफ लेके आए। इस तरह नहीं, इसको मैक्सिमाइज करें ना, स्क्रीन को फुल करें। और ये कॉर्नर जो है ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये आपको नज़र आ रही है ये लाइन फर्स्ट स्क्रीन की जो एंड, जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, इसको पकड़ें कान से, यहाँ से इस तरफ ले आएं। चलें ठीक है जी, एक सर ने एरर आपका पकड़ लिया है, कह रहे हैं जी डी जो है वो आपका अपर केस है ना, डी को एक तो छोटा करें, ये डी ये डाटे का हाँ, और दूसरा आपने जो एक लिखा हुआ है ना डाटा मैपिंग ज्योमेट्री, ये आपने नहीं लिखना, आपका वो भी कोड कंसीडर कर रहा है, आप उसको डिलीट कर देना, वो जस्ट हेडिंग है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ था ठीक है, इसको डिलीट कर दें। और यहाँ पे जीजी प्लॉट में ना बैक स्पेस लेके इसको स्टार्ट में ले आएँ जहाँ पे लाइब्रेरी है, हाँ इसको बैक स्पेस से, हाँ यहाँ से आपने कोड रन करना है ठीक है। बस अब कोड को रन करें, ये ब्रैकेट आपने क्यों डिलीट कर दी है, हाँ अब रन करें कोड को, ये है यहाँ पे बटन राइट साइड पे चला गया बटन रन का, ये देखें फुल करें स्क्रीन, स्क्रीन फुल करें, हाँ ये देखें ये प्लाट आपके पास बन चुके हैं ठीक है। चलें जी बहुत शुक्रिया जी, स्क्रीन क्लोज कर लें। अच्छा यहाँ तक तो हमने कोड लिख लिया जी, आज कौन है, कल उमर नवाज साहब थे, आज किनको भेजें सुपरवाइजर साहब के पास? आज जुनेद मलक साहब शो हो रहे हैं जी, मुझे जुनेद मलक साहब को भेजते हैं। अच्छा जुनेद मलक साहब अपने सुपरवाइजर साहब के पास बैठे हुए हैं, अब इन्होंने ये प्लाट बना लिया है,
अब जावेद सॉरी जुनेद मलिक साहब के जो सुपरवाइज़र है ना, वो इनसे कहते हैं कि एक दो टास्क देते हैं इनको। मैं यहाँ पे टास्क भी लिख देता हूँ। क्या टास्क दे रहे हैं? एक तो टास्क इनको दे रहे हैं कि आप इनको डिफरेंशिएट करके लाएं एक्स एक्सिस पे, सॉरी जो है ना स्पीशीज़ की बेस के ऊपर, डिफरेंशिएट फॉर स्पीशीज। दूसरा दूसरा टास्क वो देते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये बहुत अजीब सा लग रहा है, लाइनें हैं और ग्रे कलर आ रहा है शो, ये बैकग्राउंड इसका चेंज करें, कोई भी कर लें लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम है बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, प्लॉट का। दो टास्क दिए हैं जुनेद साहब को और इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ये टास्क आप जल्दी से कंप्लीट करके लाएं। अब जुनेद साहब क्या करते हैं, ये स्क्रिप्ट तो उन्होंने लिखा हुआ है। लास्ट टाइम भी हमने स्पीशीज़ का कलर चेंज किया था, तो हमने यहाँ पे एस्थेटिक में, ये देखें एस्थेटिक, ये मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको बताया था एस्थेटिक, इसका मीनिंग क्या होता है कोई किसी बंदे को याद है, किसी पर्सन को, किसी पार्टिसिपेंट को याद है? आमिर साहब कोई इशू नहीं है, डिफरेंट शो होने दें, कोई इशू नहीं है इसका। डाटा डाटा में फ़र्क है, फाइलें एक्चुअली वो एक ही नाम से दो तीन फाइलें हैं मेरे पास, वो मैंने भेज दी हैं आप, मैंने मे भी वो पुरानी फाइल यूज़ कर रहे हो, या आप आपने जो है ना पैटर्न लेंथ के बजाय कोई और सेलेक्ट ना किया हो, मगर कोई इशू नहीं है अगर आपके पास डिफरेंट शो हो रहा है तो, डाटा सेट वेरी कर रहा है। अच्छा डाटा, मैं सॉरी मैं क्या बता रहा था, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, यानी ग्राफ की खूबसूरती बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एस्थेटिक के अंदर जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा, हम कोई बात अब नहीं शुरू करने जा रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं जी कलर इक्वल स्पीशीज, कलर इक्वल स्पीशीज, यानी जो कलर हैं वो स्पीशीज़ की बेस के ऊपर इनको अलाट हों, और इसको रन करते हैं। देखें जी एक टास्क कंप्लीट हो गया, गुलाम साहब सर काइंडली एरर देखें, आपके पास कोई एरर आया होगा या वार्निंग्स आई होंगी, गुलाम मुश्तबा साहब। चेक करें अदरवाइज स्क्रीन शेयर करें। अच्छा जी एक टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया, डन हो चुके आप लोगों के पास भी। ठीक हो गया, एस जो है वो कैपिटल है, ठीक है। अच्छा सेकंड स्टेप, सेकंड है वो कह रहे हैं जिसका बैकग्राउंड भी चेंज करें, जस्ट सर मुझे एक मिनट इसका बैकग्राउंड चेंज करने दें ताकि बाकी पार्टिसिपेंट वो बैकग्राउंड चेंज कर लें, तो मैं आपकी जो है वो स्क्रीन शेयर करके आपका इशू रिजॉल्व कर दूँ। अच्छा मैं यहाँ पर ना स्क्रीन को ब्रेक कर, इसको सॉरी कोड को ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ से ना, ये कॉमे के बाद यहाँ से इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है, ताकि मुझे वो स्क्रॉल लेफ्ट और राइट ना करना पड़े। मैं यहाँ पे एक और प्लस ऐड कर लेता हूँ। अब आप इस कोड में चीज़ें ऐड करते जाएँ करते जाएँ, जितना मर्जी कोड इसको लेंथ ही ले जाएँ, वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी इसकी फॉर्मेटिंग में। प्लस हम थीम चेंज करते हैं, ये सारे जो फंक्शन है ना, अब इस एक स्क्रिप्ट में हमने कितने फंक्शन यूज़ किए हैं ये भी हम बात करेंगे अभी। थीम सॉरी थीम लिखा जैसे ही मैंने ना, इसने मुझे एक लिस्ट ओपन करके दे दी है, ये देखें प्लस के बाद थीम, थीम के बाद इसने मुझे एक लिस्ट ओपन करके दे दी है, तो ये डिफरेंट थीम है। मैं यहाँ पे ना ये बी डब्ल्यू है, ये क्लासिक है, डार्क है, डिफरेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लासिक करके देखते हैं क्या होता है, क्लासिक किया, अब अगेन इसने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट में इसकी फॉर्मेटिंग आएगी। अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ नहीं जाते, जस्ट बैकग्राउंड चेंज करते हैं,
इसी तरह जियोम पॉइंट की फॉर्मेटिंग की तरफ मैं नहीं गया, मैंने इसको कैसे फॉर्मेट करना है। जियोम पॉइंट की भी आगे काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं इसमें ना, अभी जस्ट हम सिंपल चीज़ों पे आ रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको समझना जो है ना वो इजी हो। अच्छा एक और हमने प्लस ऐड कर लिया, अब इसको रन करते हैं। अब देखें थीम चेंज हो गया इसका, आपके पास भी चेंज हो चुका होगा, आप काइंडली इसको थीम चेंज करें। मैं जस्ट ये गुलाम मुश्तबा साहब का इशू है इसको रिजॉल्व कर लूँ जी सर, स्क्रीन शेयर करें। गुलाम मुश्तबा साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक है सर, अच्छा स्क्रीन में ये शो हो रही है आपकी, आपका कोड है जो, अच्छा इसको रन करें क्या एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। आपने ने एक जो मिस्टेक की है वो पता क्या है, देखें एक चीज़ और इसमें यहाँ पे नोट कर लें, कहीं कॉपी के ऊपर लिख लें, क्योंकि ये बाकी पार्टिसिपेंट को भी इस तरह की आप गलती कर सकते हैं। जितनी आपकी ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगी ना उतनी ही क्लोजिंग होगी, यानी जब एक सेंटेंस आपने क्लोज करना है, देखिए हमने फाइल जो है ना वो ओपनिंग की ब्रैकेट डाटे से, डाटे में ओपनिंग ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट आ गई ओपनिंग एक्स एक्सिस से पहले, लेकिन क्लोजिंग में आपने एक ब्रैकेट लगाई हुई है वाई एक्सिस के बाद सेपल विड्थ में, वह सेपल विड्थ में वो आगे नया स्क्रिप्ट है, प्लस के बाद नहीं प्लस से पहले देखना है ना आपने, ये एक एक लाइन, हाँ यहाँ पे एक सिंगल ब्रैकेट है। सर एक्स वाई एक्सिस के, हाँ ये वाली ब्रैकेट के साथ जी, नहीं ये तो ओपनिंग है ना, क्लोजिंग पे है जी, नहीं सर जी ओम प्लस से पहले, प्लस से पहले जी ओम प्लस, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, ठीक हो गया। और दूसरा फाइकस के स्पेलिंग चेक करें, फाइकस के स्पेलिंग, हाँ अब इसको रन करें। अब देखें स्क्रिप्ट रन करें, हाँ अब ये देखें आपके पास फाइकस का जो है ना वो स्क्रिप्ट रन हो चुका है, डन हो गया, ठीक है। अब इसमें ऐड करें बाकी चीज़ें जो मैंने ऐड करवाई हैं, और काइंडली स्क्रीन क्लोज कर लें। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, दो टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिए जी, अब जुनेद साहब बहुत खुश हैं जी, मैंने जो टास्क कंप्लीट कर लिए हैं सर के, अब मैं चलता हूँ सर के पास। जुनेद साहब अगेन जाते हैं सर के पास और सर कहते हैं हाँ यार आपने टास्क तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन ऐसा करें कि अपना एक तो आपने स्पीशीज़ को ना डॉट अलाट किए हैं, ये सबको डॉट ही डॉट शो हो रहे हैं, आप इनको डिफरेंट सिंबल नहीं दे सकते, आप इनके सिंबल जो हैं वो डिफरेंट शो नहीं करवा सकते। तो जुनेद साहब कहते हैं ठीक है सर डिफरेंट करवा लाते हैं, आप आ जाते हैं अगेन एस्थेटिक में, कहाँ पे आते हैं एस्थेटिक में, खूबसूरती के लिए आपने जितनी भी चीज़ें ऐड करनी है ना वो एस्थेटिक में ऐड करनी है, यहाँ पे एस्थेटिक, यहाँ पे आ जाएं कॉमा, जब भी आपने नई बात स्टार्ट करनी है तो आपने वहाँ पे कॉमा लिखना है, ठीक है कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखना है अपने शेप, शेप इक्वल, अब शेप हम किसकी बेस पे दे रहे हैं स्पीशीज के, यहाँ पे स्पीशीज लिखा हुआ है इसको कॉपी करें, इक्वल के बाद पेस्ट कर दें, अब इसको रन करें।
देखें डिफरेंट शेप्स अलाट हो गई हैं इसको, तीन डिफरेंट शेप्स अलाट हो गई हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। डन हो चुका है यहाँ तक। ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा अब जुनेस साहब अगेन जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास कि कहते हैं जी मैंने तो अब काम अपना डन कर लिया है, अब मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन सुपरवाइज़र साहब कहते हैं जुनेस साहब आपका ठीक है काम आपने कर लिया है, लेकिन ऐसा करें यार मुझे ना मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, मुझे डार्ट ये नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल छोटे छोटे लगाए हैं आपने, इनका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके लाएं, इन डार्ट्स का थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके लाएं। जुनेस साहब दोबारा आ जाते हैं आर पे, अब आ जाते हैं जियोम पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, पॉइंट का साइज़ हमने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हम आ जाते हैं साइज़ पे, यहाँ पे टाइप करते हैं साइज़ इक्वल, हम यहाँ पे ना अंदाज़े से रख देते हैं, हम रख देते हैं 10 रख देते हैं, ठीक है अंदाज़े से रख दिए, देखते हैं क्या होता है, इसको रन करते हैं। ये देखें कितना इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, बहुत अजीब से ना लग रहा, मिक्सिंग हो रही है, बहुत बड़ा बड़ा साइज़ है और ग्राफ अच्छा लगने के बजाय बुरा लग रहा है ना। ये ग्राफ तो नहीं हम सुपरवाइजर साहब के पास लेके जाएंगे। अब हमें आइडिया हो गया है कि हमने इसको 10 से ऊपर रेंज देनी है या बिलो देनी है। अब अगर हमें इसका साइज़ और इंक्रीज़ करना है तो हम इसको 10 से ऊपर करेंगे, अगर बिलो करना है तो हम 10 से नीचे करेंगे। हम यहाँ पे इसको ले आते हैं 6 पे, 6 पे रख के चेक करते हैं। अगेन बढ़ा है, ये देखिए कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद इसको कम करने की ज़रूरत है ना। हम इसको अगेन डिलीट करते हैं, सॉरी कैंसिल, हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। 4 करने के बाद अब चेक करते हैं इसको, हाँ अब ये कोई रिजनेबल है, ये देखिए अब बिल्कुल ठीक है, यानी 4 पे हम इसका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं। अब जुनेस साहब कहते हैं जी सुपरवाइजर साहब अब तो होश हो जाएंगे, अब मेरी जान छूट जाएगी, अब घर चलते हैं। अब फहीम साहब जा, सॉरी फहीम साहब का नाम आ गया, जुनेस साहब जो है ना वो जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास और उनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है यार प्लाट तो आपका ठीक है, इसको आप किसी और टाइप में बना के लाए हो वो कैसा लगता है, हमारे पास तीन चार ग्राफ हों तो हम उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे ना पब्लिकेशन के लिए। अगर हमारे पास एक ही ग्राफ होगा तो उसमें हमारे लिए मे बी वो बुरा हो या अच्छा हो, अगर तीन चार आप बना के लाएँ तो मैं उनमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिनेब साहब को नई असाइनमेंट मिल गई है ना। अब वो कहते हैं आपने प्लाट भी चेंज करना है, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है आप भी अभी उनको रिमूव कर दें, क्योंकि ये सारी फॉर्मेटिंग तमाम चीज़ों पे अप्लाई नहीं होती ना, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ठीक है, और शेप भी रिमूव कर रहा हूँ, इसको जस्ट सिंपल ले आऊँगा ठीक है। जब हम प्लाट बना लेंगे ना उसके ऊपर फिर देखेंगे कि ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि नहीं होती, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे ठीक है। आप भी इसको सिंपल कर लें, पॉइंट में से साइज़ को रिमूव कर दें और शेप जो है वो उसको रिमूव कर दें, और अगेन इसको रन करके चेक कर लें कि कोड आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे पास जो कोड वर्क कर रहा है। अब इनके सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं ऐसा करें कि ये एक लिस्ट है, यहाँ पे अगर आप लिखें ना पॉइंट जियोम अंडरस्कोर, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो गई है, इस लिस्ट में से आपने इनको सेलेक्ट करना है वन बाय वन। फॉर एग्जांपल पहले ये एब लाइन को सेलेक्ट करें और रन करें, इसको रन करने के बाद ये देखें आपके पास ये प्लाट बना है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगेन इसको डिलीट करें, बल्कि इसको जो है ना वो आप डिलीट ना करें, इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी किया
नीचे पेस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज करें अल्बाइन की जगह पे, सॉरी अब्लाइन की, इसको दोबारा जी हमको डिलीट करें और अंडरस्कोर करें और एरिया ड्रा करें, ठीक है। एरिया ड्रा करने के बाद इसको रन करें, ये देखें एरिया प्लॉट बन गया। अब इसकी फार्मेटिंग हो सकती है, वो हम अभी बाद में सीखेंगे इसको अगेन ना, वही चीज़ें आपने ऐड करनी है इसको। अगर आप जैसे कलर कर सकते हैं, अभी ये कलर हुआ हुआ है, इसको आप फिल कर सकते हैं ना। ये देखिए मैं यहाँ पे अगर लिखूँ फिल इक्वल स्पीशीज, तो यहाँ पे हम डिफरेंट कलर के फिल कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट कलर में फिल हो गया। फिर आप अगेन इसको कॉपी करें इस कोड को और इसकी हेडिंग्स देते जाएं, बेशक जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे हेडिंग दे लें इसको, ताकि आपके पास स्क्रिप्ट सेव हो जाए। ये कौन सा हमने बनाया है एरिया, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें, एरिया ऊपर ले आए, ठीक है। ये ऊपर कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट जो है ये था अल्बाइन, अल्बाइन को कॉपी करें ऊपर यहाँ पे पेस्ट करके इसकी हेडिंग बना लें, ठीक है, ताकि आपके पास ये स्क्रिप्ट सेव हो जाए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी, अगेन पहले इस कोड को कॉपी कर लें, इसको पेस्ट करें नीचे। एरिया की जगह पे अब आप नेक्स्ट सारे आपने प्लॉट ड्रा करके चेक करने हैं कौन सा प्लॉट ड्रा बन रहा है कौन सा नहीं। अब आ गया जी बार, ठीक है। बार हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं बनेगा इस डेटे के ऊपर, ये एरर दे देगा मे भी, ये देखें इसने एरर दे दिया, ठीक है। जो ग्राफ आपको एरर दे ना उसको आपने छोड़ देना है, लेकिन उसका नाम आपने नोट करना है। बार, बार ने हमें एरर दे दिया, तो उसके साथ आप ब्रैकेट में लिख लें कि इसने हमें एरर दिया। फिर हम बहस करेंगे बाद में कि ये एरर क्यों आया, क्योंकि ये तमाम डाटा सेट, सॉरी तमाम ग्राफ के लिए ना ये डाटा सेट एक जैसा नहीं होता, हमें डाटा सेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जिस तरह हर एनालिसिस के लिए हमें कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रोज़ को हमने कॉलम में चेंज करना होता है, कॉलम को रोज़ में चेंज करना होता है, तो यहाँ पर हमें हर तरह के एनालिसिस के साथ थोड़ा सा डाटा सेट चेंज करना पड़ेगा। कुछ स्टैटिस्टिक अप्लाई करने के बाद एनालिसिस होंगे, कुछ जो है वो उनके लिए डाटा सेट ही डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है मैप का आ जाता है कोई ग्राफ जियोम मैप मैपिंग पे, तो अगर हमने वो पाकिस्तान का मैप ड्रा करना है तो वहाँ पे हमारे पास डाटा सेट कुछ और होगा, वो हम इस पे ड्रा करेंगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। आपने जस्ट इनमें से एक दफ़ा गो थ्रू होना है, जो जो आपसे ग्राफ बन रहे हैं उनका बस नाम लिख लें, जो एरर दे रहे हैं उसके सामने एरर लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी करें इसको, फिर अगेन आ जाएँ नीचे, ठीक है, इसको पेस्ट करें और यहाँ पे अब अगेन एरर बार की जगह पे आ जाएं आप, अगेन अंडरस्कोर टाइप करें तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये बिन सेकंड इसको रन करें, देखें क्या बनता है। सर ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि कौन से ग्राफ के लिए आपको डाटा सेट किस तरह का चाहिएगा, ठीक है। अभी हम आज देखेंगे ना, जितने ग्राफ बना लेंगे ना आज, वो हमारे इस तरह के डाटा सेट के ऊपर बनेंगे। ये देखें जो जो ग्राफ मेरे पास बन रहे हैं ना, वो समझें कि इसी तरह के डाटा सेट के ऊपर बनेंगे। अगर आपको ये ग्राफ रिक्वायर्ड है तो आपने अपने डाटा सेट इस तरह अरेंज करना है। बाकी जो नहीं बनेंगे ना उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए कौन सा डाटा सेट चाहिए। और एट द एंड ज़रा परेशान ना होंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक आप इंशाल्लाह इसमें ट्रेन हो चुके होंगे, आपको पता होगा कि किस ग्राफ के लिए मुझे कौन सा डाटा सेट चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अगेन मैंने इसको कॉपी किया, इसका नाम रख लिया यहाँ पे, ये बिन 2D, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अगेन मैंने इस कोड को नीचे लिखा। अब ये जुनेस साहब को कहा गया कि सारे हर तरह का प्लाट बना लें, इनको कहा गया 3-4 प्लाट बना के लें। तो जुनेस साहब ने सोचा यार 3-4 मुझे दोबारा फेरे लगेंगे, 3-4 चक्कर लगेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ सारे प्लाट बना के ले जाता हूँ, जो सर को पसंद आया वो रख लेंगे, जो ना पसंद आया वो कहेंगे ये डिलीट कर दें। तो अब अगेन यहाँ पे हम टाइप करते हैं जियोम के बाद अंडरस्कोर, देखें फिर लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पे आ जाएं जी, बिन 2D ये वाला है, इसको सेलेक्ट करके रन करें। ये देखें ये भी उसी तरह का, लेकिन मैं भी थोड़ा सा डिफरेंस हो इसमें। फिर हम आ जाते हैं अगेन नीचे स्क्रिप्ट, यहाँ पे बिन 2D की जगह पे अब कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आ गया है ये ब्लैंक, ब्लैंक आई थिंक ब्लैंक ही होगा, देखते हैं क्या करता है ये ब्लैंक। देखें इसने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, सही है। तो
तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करें ब्लैंक और यहाँ पे हेडिंग दे लें ब्लैंक। अगेन इसको कॉपी करें और नीचे टाइप करें। ठीक है, होप कि अब आपको जो है वो पता चल गया कि आप सॉरी क्या नाम था आपका, सॉरी आपका नाम ही जो है ना वो जहन से निकल गया। अच्छा चलें, जो भी, हाँ जुनेद साहब, तो जुनेद साहब आप जो हैं अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि आपने सारे ये लिस्ट ओपन हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। जियोम अंडरस्कोर ये जो जितनी भी लिस्ट है ना, ये सारी आपने एक दफ़ा ड्रा करके देखनी है इसके ऊपर, क्या इसके ऊपर कौन कौन से प्लाट ड्रा होते हैं, और तमाम प्लाट जब आप ड्रा करते जाएंगे ना वो आपके पास सेव होते जाएंगे। यहाँ पर देखें इसको, ये आपके पास दो एरो शो हो रहे हैं फाइल के नीचे ना, इस पर इस तरह अगर आप करेंगे तो लेफ़्ट राइट, तो वह तमाम एरो जो प्लाट हैं वो आपको दोबारा जो है वो प्रीव्यू आपको शो होगा। इसी तरह इसको आगे मूव करेंगे तो जो बने हुए हैं नेक्स्ट वो आपको शो होंगे। इसको सेव करने के लिए ग्राफ को आपने ग्राफ को जूम करना है, जूम कर लें फिर भी ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। या अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको कहीं आप सेव कर लें। अभी और बहुत सारी चीज़ें हमने सेव के बारे में सीखनी है, हाई क्वालिटी में इसको हमने कैसे सेव करना है, लेकिन वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, एकदम से नहीं होंगी। अच्छा, दूसरा हमने स्क्रिप्ट को सेव करना है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम जो है वो स्क्रिप्ट को ये ग्राफ भेजते हैं पब्लिकेशन के लिए, तो रिव्यूअर का पहला क्वेश्चन होगा कि उसने देखना है कि आपने ये एनालिसिस किस तरह किए हैं, किस सॉफ्टवेयर में किए हैं। अगर तो आपने किसी और पैकेज का नाम लिखा होगा तो वो आपसे वर्जन पूछ लेगा, जी आपने SPSS का कौन सा वर्जन यूज़ किया है। लेकिन अगर आपने उसको कहना है जी मैंने जो R यूज़ किया है या पाइथन यूज़ किया है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि वेयर इज़ इट्स स्क्रिप्ट, इसका स्क्रिप्ट कहाँ है, फिर वो आपको इसका स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए स्क्रिप्ट भी आपने साथ सेव करना है। स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए आपके पास ब्लू बटन बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव ऑन सोर्स, इसके साथ ब्लू बटन, इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपको आपके लैपटॉप में ले जाएगा और आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये 13 बैच का एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ GG प्लाट। ठीक है, ग्राफ यानी मैंने GG प्लाट के ग्राफ जो बनाए हैं ये उसका स्क्रिप्ट है। इसी तरह जब आप पेपर के ऊपर थीसिस के ऊपर काम करेंगे तो उसको किसी स्पेसिफिक नाम से सेव कर लें, ताकि बाद में आपको चाहे याद ही ना रहे कि ये मैंने स्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए क्रिएट किया था, क्यों जनरेट किया था। अब इसको एक तो असाइनमेंट आपकी ये हो गई, दूसरी तमाम थीम आपने अप्लाई करके चेक करने हैं। ठीक है, वो किसी एक ग्राफ के ऊपर चेक कर लें, लाजमी नहीं वो आप सब पे चेक करें, लेकिन किसी एक पे ऊपर तमाम थीम अप्लाई करके चेक कर लें। ये मैंने अभी जस्ट क्लासिक किया ना, क्लासिक को मैं यहाँ से अगर मैं रिमूव करूँ और यहाँ पे अंडरस्कोर, ये देखें लिस्ट ओपन हो गई है, डार्क करते हैं, इसको रन करते हैं, डार्क थीम कैसा होता है, ताकि जब आपको आपके सुपरवाइज़र कहें ना कि आप जो हैं वो मिनिमल थीम बना के लाएँ, तो आपको पता होगा मिनिमल थीम कैसा होता है। आप फ़ौरन यहाँ पे आएँ, यहाँ पे सेलेक्ट करें और देखें मिनिमल, हाँ ये मिनिमल थीम, इसको सेलेक्ट करें और रन कर लें, ये इस तरह का हो जाएगा। जब वो आपसे कहे ना कि क्लासिक पे आना है, लाइन ड्रू पे आना है, डार्क पे आना है, तो आपको पता होगा ये थीम यहाँ से चेंज होने हैं। क्लियर है? मैं स्क्रिप्ट आपको शेयर कर देता हूँ अभी सर का, ये यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, कल हाँ ये मुबीन रहमान साहब का कोई क्वेश्चन है। जी सर,
वालेकुम सलाम जी मुबीन साहब। सर ये मुझे दो से तीन चीज़ें पूछनी थी। जी जी एक तो ये कि जब हमने ग्राफ में वो कर रहे थे, फिल वगैरह कर रहे थे, तो मैंने ये पूछना था कि बाय डिफॉल्ट यही तीन कलर्स होते हैं हमारे पास, या हम कलर्स को भी अपनी मर्जी से हम कर सकते कलर हैं? कलर की स्कीम्स होती हैं डिफरेंट। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक ठीक है, है। दूसरा, हम इसको कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अगर ठहरे, मैं यहाँ पे अगर देख सकता हूँ तो इसमें ऑप्शन है, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। यानी यहाँ पे कलर है ना, अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ, हाँ ये है, मे भी हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये ब्लैंक था, मैं ऊपर वाला करके देखता हूँ। ये देखिए कलर जो है ना रेड हो गया इसका सबका, लेकिन फिल जो है भी ग्रीन है। ये जो है ना फिल स्पीशीज की बेस की भी है। मैं फिल भी इसको रेड करता हूँ या फिल इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, सबको ग्रीन। अब देखिएगा, अब देखें, सॉरी ये रेड हो गया सारा। मैं फिल को डिलीट कर देता हूँ, ये एक्चुअली फिल नहीं होगा, ठीक है। यानी कलर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी ना। फिल को डिलीट करके आप रन करते हैं। अब इसने हमें जो है ना वो उसकी आउटर आउटर जो बाउंड्री है ना वो रेड कर दी है। ये देखें, आउटर बाउंड्री इसकी रेड कर दी है, लेकिन अंदर उसने एक कलर स्कीम दे दी है। ये देखें, ठीक है, इसको कहते हैं पॉज। ये शो कर रहा है इसकी जो वैल्यूज़ को, यानी 1 से लेके 5 तक वैल्यूज और साथ इनके कलर जो है ना वो उसने दे दिए हैं, लेकिन जो आउटर बाउंड्रिंग है इसकी, इसको उसने रेड कर दिया। अगर हम फिल रेड करेंगे ना, फिल भी रेड कर देते हैं या फिल कर लेते हैं कोई और कलर, ठीक है, तो ये इसको चेंज कर देगा उसके मुताबिक। फिल हम करते हैं, फिल कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है ये। अभी इसने रेड कर दिया, ब्लैक कर दिया। आई थिंक ये कोड को ब्लैक करते हैं, क्या करते हैं, एक्चुअली फिल इसने किया है रेड, शो ब्लैक कर रहा है। देखें अगर डायग्राम आ रही है ना, तो आई थिंक ये कोड ये इस पे जो है ना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा, सही है। तो वो जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे ना इसकी, तो उस पे हम आएंगे, तो फिर हम डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें एक कलर का ऑप्शन आता है, कलर की स्कीम डेवलप होती है, ठीक है, वो कलर की स्कीम इस पे अप्लाई करते हैं। उसमें अगर आपके पास 20 वेरिएबल है, तो वो 20 वेरिएबल की एक स्कीम बना के इसको दी जाती है, वो इस पर अप्लाई होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इस पर मैनुअल भी जो है वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, पर सर सेकेंडली एक दूसरा सवाल ये था कि समटाइम्स हमारे पास एक्सेल की फाइल्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, मसलन तो सर मसलन जैसे फाइकर्स की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक फाइकर्स की फाइल है, जी फिर हमारे पास दूसरा डाटा आता है उसकी एक्सेल की फाइल डिफरेंट है, और ठीक हम है, चाहते हैं इन दोनों को मर्ज करना, तो वो कैसे होगा? आप फाइकस की फाइल दोनों को मर्ज करके एक ही फाइल में करना आर के चाह अंदर, रहे हाँ हैं, जी आर के अंदर, आर में वो भी मर्ज हो जाती है सर, वो भी ऑप्शन है, मर्ज हो जाती है, रीअरेंज हर चीज़ उसके अंदर हो जाती है वो। लेकिन उसका एक स्क्रिप्ट होता है ना, स्क्रिप्ट होता है, फिर पैकेज होता है, उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर स्क्रिप्ट वो राइट करेंगे, फिर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, हम कौन कौन सा कॉलम इसमें मर्ज करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक लाइन मर्ज करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक कॉलम या पूरी फाइल मर्ज करना चाह रहे हैं, वो भी पॉसिबल है तो सर अभी वो हम यहाँ पे सीखेंगे इसमें। सर। सारी चीज़ें आप सीखेंगे, हर चीज़, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ना, ठीक है। जिस स्टेप पे वो फाइल आएगी, मैं आपको वो सारे स्टेप करवाऊंगा। मैंने वो सारी चीज़ें अपने माइंड में रखी हैं, बल्कि वो कोर्स मेरे पास बना पड़ा हुआ है हर चीज़ ना, कि मैंने आपको कौन से स्टेप पे क्या चीज़ें सिखानी है। ठीक हो गया, ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का।
तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन हमने कल एडवांसमेंट की तरफ जाना है। कुछ चीज़ें एडवांस हम सीखेंगे, जैसे AI टूल्स को हम सीखेंगे कल, R पे अप्लाई करना, ठीक है? तो कल तक आप लोगों ने ये प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। अगर कल आपकी ये प्रैक्टिस ना हुई तो मे बी हम उस टूल की तरफ या उसमें हम सक्सेसफुल ना हों। उसमें सक्सेसफुल होने के लिए ये जो मैंने कोड्स आपको ग्राफ की प्रैक्टिस के दी है, ये आप तमाम पार्टिसिपेंट ने ये ग्राफ बना के ग्रुप में शेयर करना है। ये जस्ट मेरा ख्याल है कि 10 से 15 मिनट का काम है। स्क्रिप्ट आपके पास है, जस्ट आपने जियोम चेंज करता रहना और कोड को पढ़ना है, बस और कुछ भी नहीं आपने करना, लेकिन ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।